हमारे मैक्सिमम फाउंडिंग मेंबर्स बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा जो कार्ड पेमेंट है वो सही होगा और हम कब अपना जो वो कनेक्ट है पैकेज है वो उसको कब बाय कर पाएंगे, कब खरीद पाएंगे, जिससे कि हम अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकें। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी जगह जगह से जो कॉल आती हैं उनको सुनने के बाद मैं एक निष्कर्ष निकाला है कि मैक्सिमम लोगों ने अपने क्रेडिट कार्ड से, जी हाँ क्रेडिट कार्ड से अपने इस पैकेज को खरीदा हुआ है और अभी कुछ लोगों ने अपना विड्रॉल भी लगाया है, तो विड्रॉल का भी लोग इंतजार कर रहे हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड की कोई डेट वगैरह होती है और आपको पता है कि उसमें पैसा जमा भी करना पड़ता है, तो इसको लेकर के भी लोग बहुत ज्यादा थोड़े से परेशान हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी कार्ड पेमेंट जो अभी इशू चल रहा है इसको मुझे लगता है कि थोड़े बहुत दिनों में जो है ये खत्म हो जाएगा और ये इशू जो अभी आ रहा है ये, जैसा कि हमारे रेड सर ने बताया कि हो सकता है कि मे बी एक हफ्ते के अंदर, या रेड सर ने सॉरी हमारे एस मुफारिस सर ने बताया था मे बी दो हफ्ते के अंदर अंदर ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगी। सो यहाँ पे आप लोगों को ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर आपने सही तरीके से इंतजाम करके रखा हुआ है तो आप थोड़ा सा वेट करें और जैसे ही हमारा कार्ड पेमेंट सही होगा आप अपना पैकेज को जरूर बाय करें। ब्रांड बनाना एक बहुत बड़ी टेढ़ी खीर होती है। कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही ब्रांड नहीं बन जाता है, उसके पीछे सालों की मेहनत होती है, उससे उसके पीछे बहुत सारी मेहनत छुपी होती है और उसकी पूरी प्लानिंग छुपी होती है। आज जिस तरीके से कंपनी अपने आप को एक ब्रांड वैल्यू बना रही है, एक ब्रांड पोजीशनिंग के हिसाब से अपने पूरी दुनिया में पॉपुलर हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांड वैल्यू का ही नतीजा है। ब्रांड वैल्यू कितनी ज्यादा जरूरी होती है ये आज आपको पता चलेगा। और दूसरी बात यह है, कंपनी के ब्रांड बनने से आप भी एक ब्रांड बनने वाले हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। कंपनी के ब्रांड बनने से आपकी भी वैल्यू बढ़ती है, कंपनी के पॉपुलर होने से आप भी पॉपुलर होते हैं। कंपनी का अगर प्रोडक्ट सही तरीके से मार्केट में काम करता है, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तो इससे आपकी भी इज्जत बढ़ती है, आपका भी सम्मान बढ़ता है और आपकी वैल्यू भी बढ़ती है। सो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के आज मैं आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूं। तो आज वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर बने रहिए, बिकॉज आपको पता है कि डेली आज हमारा संडे है और संडे को रेड सर नहीं आते हैं और मंडे को कल रेड सर आएंगे और वो हमें डेली कुछ ना कुछ नई नई अपडेट्स जो है हमेशा दे रहे हैं। ब्रांड वैल्यू आज दुबई के अंदर आज इतनी ज्यादा हमारी बन चुकी है कि आज किसी भी कोने में अगर हम दुबई में चले जाएं तो आपको ऑन पैसिव का नाम वहां पर सुनने को मिल जाएगा, बच्चे बच्चे से आपको नाम सुनने को मिल जाएगा। मेट्रो स्टेशन का अभी क्या है कि रैप थोड़ा सा किया जा रहा है वहां पे, मेट्रो स्टेशन का पूरा जो डिजाइन है, पूरा का पूरा जो लुक है वो वहां पर बदला जा रहा है। क्यों बदला जा रहा है? क्योंकि आपको पता है कि अपडेट होना भी जरूरी है। कुछ फोटोज वीडियोज लोगों के बीच में वायरल हो रहे हैं, सर्कुलेट हो रहे हैं, इसका काम लगभग समाप्ति की तरफ जो है बढ़ गया है, यानी कि लगभग एक दो दिन के अंदर या एक आध हफ्ते के अंदर जो है ये काम पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि उसके बाद जो नई वीडियोज या कुछ नए फोटोज जो हम सब लोगों को मिलने वाले हैं उसके बाद एक नई ब्रांड वैल्यू जो है हम सब लोगों के सामने नजर आने वाली है। कुछ इंग्लैंड के ऐसे लीडर्स हैं जो कि हमारे फाउंडिंग मेंबर्स हैं, जो कि हमारे भारत के दौरे पर आए हुए हैं और उन्होंने बहुत सारे लोगों से मुलाकात भी की है और उनको बहुत अच्छा लगा है यहां पर आने के बाद। और हमारे जैसे कि नीरज सर हैं एंड दिनेश सर हैं, उनसे भी मुलाकात की है और ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है कि यहां पर बहुत सारे लोग बाहर से भी आ रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ ऑन पैसिव की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। कल से दुबई में एक जो टैक्स शो होने जा रहा है जिसमें अपनी कंपनी सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाली है, उसमें उस टैक्स शो के अंदर आपको पता है कि अपनी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट हैं और जो खास तौर से हमारा ओ कनेक्ट है उसको, उसके कौन कौन से फीचर्स हैं जो लोगों को ज्यादा अच्छी तरीके से वहां पे दिखाए जाएंगे, इसके बारे में नजाल सर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं और पूरे जोरों शोरों से जो है तैयारी वहां पे चल रही है और कल से हमारा ये टैक्स शो जो है शुरू होने जा रहा है। एंड कंपनी के लिए ब्रांड पोजीशनिंग जो होती है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है और आज के टाइम पे देखा जाए तो आज आप कोई भी सामान लेने जाते हैं तो आपको एक ब्रांडेड सामान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आप सबसे पहले अगर कोई भी मॉल के अंदर या किसी भी शोरूम के अंदर जाते हैं तो आपको एक ब्रांडेड चीज पे आपको एक सबसे पहले नजर जाती है, क्योंकि वहां पर आपका एक भरोसा टिका होता है। व्हाट इज ब्रांड पोजीशनिंग? यहां पर रेड सर ने जो है ब्रांड पोजीशनिंग के बारे में बताया कि क्या होती है आखिर ये ब्रांड पोजीशनिंग। तो उन्होंने बताया कि एक कस्टमर को ये रिप्रेजेंट करने का भी एक तरीका होता है कि कस्टमर अपने आप को खुद को रिप्रेजेंट करता है यहां पर।
कस्टमर बहुत सारे चीजों को जो है चूज करने में अपना एक पूरा कंसंट्रेशन जो है वहां पे बिठा पाता है, क्योंकि जब आप किसी भी मॉल के अंदर या किसी भी शोरूम के अंदर जाते हैं तो आपका कंसंट्रेशन पहले से होता है कि मुझे कौन सी चीज वहां पे खरीदनी है। तो यहां पे एक ब्रांड क्या होती है, एक पहचान भी होती है, एक आइडेंटिफिकेशन भी होती है, जो एक मार्केटिंग करने की स्ट्रेटेजी भी होती है। ये अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अगर ब्रांड को लेकर के आप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका जो एक ब्रांड वैल्यू है वो बहुत अच्छी तरीके से आगे जाएगा और आप कंपनी, आपकी जो कंपनी है, हमारी जो कंपनी है या कोई भी कंपनी हो, वो पूरी दुनिया में अपने ब्रांड वैल्यू के नाम से जो है जानी जाती है। बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पे सिर्फ और सिर्फ लोगो ही अगर आपको दिखा दिया जाए तो आप बता देते हैं कि ये जो है कंपनी एप्पल है, ये माइक्रोसॉफ्ट है, या एक मैकडोनाल्ड है, या ये है, ये वो है। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ एक लोगो दिखा देने से, सिर्फ लोगो दिखा देने से आप कैसे पहचान जाते हैं, ये होती है एक ब्रांड वैल्यू, यानी कि एक एडवर्टाइजमेंट जो स्ट्रेटेजी होती है, मार्केटिंग करने की स्ट्रेटेजी होती है, उसमें बहुत सारे लोगों के दिमाग में वो छवि पहले से ही बन जाती है। अपनी अलग से एक पहचान बनाने के लिए ब्रांड पोजिशनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाने के लिए भी जो है ब्रांड पोजिशनिंग बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर आप खुद की वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तो ये जरूरी भी है। खुद की वैल्यू तब बढ़ेगी जब आप अपने आप पे सबसे ज्यादा काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब आप अपने आप पे काम करते हैं तो लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं, बिकॉज आपको उससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन है। क्योंकि ब्रांड वैल्यू जब बन जाती है तो लोग आपके ऊपर भरोसा करते हैं कि हाँ, ये प्रोडक्ट मेरे लिए बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाला है। ज्यादा से ज्यादा ग्राहक हमारे प्रोडक्ट को यूज करें, ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर आए, एंड इसलिए भी ब्रांड पोजिशनिंग बनाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। और जिस समय, इस समय जो हमारे दुबई के अंदर पूरा का पूरा जो ब्रांड पोजिशनिंग का काम चल रहा है, अब ये अगला जो नंबर है वो मिस्र का नंबर है, और बहुत ही जल्दी मिस्र में हम सब लोगों को एक ब्रांड पोजिशनिंग या जिस तरीके से एक माहौल हमारा दुबई के अंदर देखने को मिल रहा है, उसी प्रकार से अब ये पूरा का पूरा जो एक माहौल मिस्र के अंदर भी देखने को बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। और कहीं ना कहीं कंपनी उन सारे शहरों को और उन सारे कंट्रीज को टारगेट कर रही है जहां पर टेक्निकल जो टारगेट है, जो एक टेक्निकल एक ट्रैफिक है, जहां पर इंटरनेट का ट्रैफिक ज्यादा है, वहां पे बहुत ज्यादा कस्टमर हमें मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए कंपनी अब अगला जो अपना एक टारगेट फिक्स कर रही वो है मिस्र, और मिस्र में भी जो है इसी प्रकार से काम होना बहुत ही जल्दी शुरू हो जाएगा, जिसमें हमें आगे आने वाले वक्त के अंदर पता चल जाएगा। सो ऐसे ही आप बने रहिए हमारे चैनल पे, पहली बार मेरे चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पे ऑन पैसिव के रिगार्डिंग आपको बहुत सारी और टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, एंड इनकम के रिगार्डिंग, पैसे के रिगार्डिंग, एंड हमारे इकोसिस्टम के रिगार्डिंग भी और इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपके लिए कि किस तरीके से हमारा इकोसिस्टम जो और अच्छे से काम कर पाएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ। जीत हमेशा उसी की होती है जिसकी तैयारी अच्छी होती है। We are sent to win it.